हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आशवी क्या कर रही हो? गोभी दिखा रही हो? हेलो बोल दो। हेलो, हाय बोलो तो सभी को बोलो। कुछ नहीं बोल रही है, हाय बोल दो। हाय, हेलो हेलो हेलो, अभी बोलती नहीं है दोस्तों, इसीलिए। नहीं तो ये बोलना जब शुरू करेगी तो आप ही लोग इसको हेलो बोलेगी। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारी गोभी जो है अब फ्रूटिंग हो गई है, आती हूँ। तो ये देखिए हमारी गोभी की फ्रूटिंग कितनी अच्छी है और कितने बड़े साइज की है, ये देखिए। और अभी ये और बढ़ेगी। तो ये है, मार्च ख़त्म होने वाला है और हमारे यहाँ लगी हुई है अभी गोभी। तो ये हमारी गोभी जो है लास्ट मार्च तक चलेगी, क्योंकि बहुत से गोभी में अभी फूल काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये देखिए ये सब फूल अभी बहुत छोटे हैं, तो इनको लंबे समय तक लगेगा। इसमें तो अभी फूल ही नहीं आए हैं। तो इस तरह से हमारी गोभियाँ इस बैच में, ये पूरा ग्रो बैग देख सकते हैं, 10 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है। इसमें मतलब 30 से 25 गोभी लगी थी। तो कुछ गोभियाँ हमने हार्वेस्ट की हूँ जो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कुछ अभी छोटे हैं तो मैं उन्हें हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है हमारी कंटेनर पूरी ये फुल है। इसमें लगे हैं आधे में गोभी और मात्र ये दो पौधा देखिए टमाटर का है। और कैसे ये दो ही पौधा टमाटर का पूरा इतना, मतलब आधे ग्रो बैग को ये पूरा घेर चुका है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ब्रांचेज निकली हैं और फूल बहुत अच्छे आए थे। और टमाटर भी देखिए किस तरह से गुच्छों में लगी है। और मेरी टमाटर की हार्वेस्टिंग इस साल की सबसे अच्छी हार्वेस्टिंग है, क्योंकि इस साल मैंने बहुत अच्छा हार्वेस्ट किया टमाटर, और टमाटर का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिला। जैसे जैसे आप गार्डनिंग करिएगा, आप पौधे लगाइएगा, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि इस साल क्या गलती हुआ, अगले साल क्या करना है। कोई एक बार में आप जो है गार्डनिंग परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं और हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, गार्डनिंग जब तक लाइफ टाइम कीजिएगा तो लाइफ टाइम भी पौधे में आपको रिजल्ट हाँ और ना दोनों के मतलब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर साल सक्सेस ही हो जाइएगा गार्डनिंग में। तो ये बैच देखिए हमारा, इधर मैंने पूरा बता दिया कैसे टमाटर और गोभी लगी है। तो अभी तो टमाटर हमारा अप्रैल तक उम्मीद है कि चलेगी, क्योंकि देखिए अभी इसमें बहुत छोटे छोटे हैं और लंबा समय इसमें लगेगा। अब हम आ जाते हैं इस साइड। तो इस साइड देखिए इस कंटेनर में भी थी टमाटर। तो टमाटर की हमने हार्वेस्टिंग पूरा कर लिया और प्लांट में थोड़े बहुत छोटे छोटे टमाटर थे, लेकिन भिंडी के लिए मैं काफ़ी लेट हो रही थी, क्योंकि आज हो गया है 16 मार्च हो गया है, और 16 मार्च तक अगर हमने भिंडी नहीं लगाई तो फिर ज़्यादा हीट वेव चलेगी, तो भिंडी की ग्रोथ और फ्रूटिंग पे काफ़ी अच्छा असर पड़ जाता है, तो भिंडी नहीं होती है। फिर भी एक्चुअली मैं इस समय भी लेट हूँ। तो इस बैच में हमें लगानी थी भिंडी, तो मेरी सैपलिंग भी तैयार थी, लेकिन सैपलिंग का रिजल्ट जो है मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर से बीज डाल दिए हैं इसमें। तो बीज वाले पौधे का ग्रोथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए इसमें फिर से बीज डाला हुआ है। बाकी देखिए इस साइड हमने कुछ पौधे सैपलिंग के भी हैं और कुछ पौधे देखिए ये बीज के हैं। जैसे कि ये पौधे बीज से हैं, ये पौधे देखिए सैपलिंग का है। तो छोटे ही पौधे में इस तरह से फूल आ गए और फल आ गए, तो ये पौधा उतना सक्सेस नहीं लगा मुझे, तो मैं उसके जगह एक बीज डाली हुई हूँ। जैसे वो बीज अंकुरण होगा उस पौधे को मैं हटा दूंगी। तो इस तरह से हमारी भिंडी की तैयारी चल रही है। ये सब पौधे हमारे बीज से हैं, तो वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ हैं। तो मुझे अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस लगा है, क्योंकि मैं इस साल मेरी फसल जो है काफ़ी लेट हो रही थी, मैं मतलब मेरी कंटेनर खाली ही नहीं हो पा रही थी। तो मैं क्या करती, सोची कि चलिए भिंडी की सैपलिंग ही तैयार कर दूँ, उसके बाद करूँगी, नहीं तो अमूमन मेरी कंटेनर खाली हो जाती है और हम जो है अपनी सब्जियाँ समय पे लगा पाते हैं। लेकिन इस बार मेरा थोड़ा लेट की वजह से सैपलिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे अच्छा रिजल्ट लगता है भिंडी में इस बार। जो सैपलिंग से पौधे लगाए उसका तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो बीज से लगाए हुए उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब देखिए बीज से लगाए हैं। कभी भी आप बीज से पौधे लगाएं तो एक बीज ना डालें, कम से कम दो बीज डालें, क्योंकि एक पौधा आपका स्वस्थ रहेगा तो दूसरा अगर खराब भी होता है तो एक अच्छा चलेगा।
तो आप इस तरह से जो है बीज का चुनाव करेंगे तो काफ़ी बेटर आपको लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर है, अगर एक पौधा हमको वहाँ रखना है तो एक बीज डालते हैं, तो एक बीज में क्या होगा, अगर वो बीज किसी वजह से बड़ा होकर पौधा ख़राब हो गया तो वो तो गया, लेकिन दो रहेंगे। कब तक स्टेज में रखना है, इस स्टेज तक आपको दो पौधे रखना है, उसके बाद एक पौधा कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपका भिंडी का जो है प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा। फिर इस रो में देखिए हमारी नींबू थी, तो नींबू की मैंने ये 12 मासी नींबू थी, तो फूल आए थे लेकिन क्या हुआ कि उनमें झड़े, तो पौधा मेरा बहुत जो है ये लग रहा था, तो मैंने उसकी प्रूनिंग की हूँ, देखती हूँ पत्ते क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर रहे थे इसलिए प्रूनिंग कर दिया है, नया ब्रांच आएंगे तब फल फूल लगेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं साथ में देखिए हमारा एक मेलेबरी का प्लांट है, उसमें कितने ज़्यादा फ्रूटिंग हुआ है, इस तरह से देखिए फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा है कि एक ही पौधा हमारे खाने के लिए काफ़ी है। अगर मैं उसको जड़ से दिखाऊं आपको तो देखिए कैसे, मतलब रेड पत्ते से ज़्यादा इस बार हमारी मेलेबरी के प्लांट में फ्रूटिंग हुई है, तो काफ़ी अच्छा ये फल वाला पौधा है, आप इसे होम गार्डन में ज़रूर लगाएं। इस तरह से देखिए ब्लैक, काले और रेड, तीनों ब्लैक हो जाते हैं फिर हल्के रेड रहते हैं, तो आप दोनों स्टेज में इसे खा सकते हैं। अगर ग्रीन खाने की मन है तो ग्रीन चटनी के साथ खाइए, चटनी बनाइए ग्रीन वाले शहतूत की। और इस तरह से देखिए हमने इधर एक दो दिन तोड़ा नहीं है तो कैसे ये पूरे गिर गए हैं, तो ये होता है। फिर हमारी ये कंटेनर है, इसमें लगा हुआ है प्याज, तो ये देखिए प्याज की ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी है, और साथ में लगी हुई है करी पत्ता, तो करी पत्ता में भी आ रहे हैं फूल, और ये मैंने ऊपर थोड़ा कर दिया क्योंकि प्लांट घना हो गया था और एक दूसरे से टकरा रहा था, तो मैंने उसके नीचे की ये देखिए यहाँ के स्टेम सारे हटा दिए थे, तो यहाँ भी कुछ स्टेम निकले हैं बट ऊपर जाके सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारी कुंदरी थी, तो कुंदरी की मैंने बिल्कुल जड़ से प्रूनिंग की थी यहाँ से, तो अब ये नया ब्रांच निकल रहा है, इसमें भी दो थे पौधे, तो दोनों में अब नए ब्रांच निकल रहे हैं, तो नया कुंदरी हमें खाने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आते हैं तो हमारी मिर्च, तो ये दोनों तीनों मिर्च है, तो मिर्च में देखिए थोड़ा बहुत हमने धनिया भी लगा दिया, छिड़क दिया था, तो कुछ धनिया नीचे से निकल रहे हैं, प्याज भी है साथ में, तो कंटेनर में कुछ कुछ इस तरह से मैं कर देती हूँ क्योंकि जगह देखिए छत पे सीमित होती है, इसलिए मैं दो तीन तरह की सब्जियाँ लगा देती हूँ। तो ये मेरा इधर का पूरा था, और इस साइड देखिए हमारी कुछ कंटेनर इस साइड भी है, थर्माकोल वाले हैं, तो इसमें हमने देखिए लगाया था ईख, तो ईख भी अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, और साथ में भिंडी, क्योंकि अभी ये तो काफ़ी बड़े होंगे, उसके बाद तब तक हम भिंडी हार्वेस्ट कर चुके होंगे। तो ये हमारी भिंडी की जो सबसे पहले मैंने बीज लगाई थी, ये कंटेनर जो खाली हो गया था, तो बीज मैं थोड़ा पहले भी लगा दी थी, तो इसमें जो है पौधे बड़े हो गए हैं, और कुछ पौधे नहीं जमते हैं तो फिर से बीज डालती हूँ। एलो स्टिक शुरुआती दौर से ही लगाई हूँ क्योंकि भिंडिया में वाइट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा होता है और आपकी भिंडी खराब हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने दो पौधे यहाँ पे, तो ये अच्छा चल पड़ा है तो इसको हम हटा देंगे। तो इस तरह से बाकी इधर सारे, इसमें हमने धनिया लगाया था, तो धनिया तो बहुत थोड़ा सा घना नहीं जमा है, कुछ अच्छा जमा है, कुछ मतलब छिहर टाइप का जमा है, तो इसमें फिर से बीज डाल देंगे। और वो बैंगन के दो पौधे हैं, यहाँ भी बैंगन गर्मी वाले हैं, कल ही मैंने वो कंटेनर खाली किया है तो उसमें भी हमने धनिया लगाया है। फिर से यहाँ पे एक टमाटर खुद से वो निकला है, तो खुद से भी निकलता है तो फल देता है थोड़ा बहुत, और बाकी यहाँ पे देखिए ये सब भिंडी लगे हैं। तो इस पूरे रो में आप देखिए पूरी रो में भिंडी और धनिया, और उधर सहतूत भिंडी वो है, और बाकी यहाँ पे एक बड़ा वाला कंटेनर है। बाकी फिर हम इधर आते हैं तो मेरा फ्रूट बैग है, तो फ्रूट बैग में देखिए नीचे में धनिया, ऊपर में अमरूद है, तो अमरूद में अब आ रहे हैं इस तरह से बर्ड्स, ये देखिए। तो जल्द ही इस पर फुल डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी, अभी कुछ दिन हम धनिया थोड़ा हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद पूरी जड़ से निकाल के इसमें हम अच्छे से सॉइल मिक्सचर मिलाएंगे ताकि हमारा अमरूद सेट हो जाए, गिरे नहीं और फूल फल अच्छा से लगे। ये देखिए किस तरह से पूरे बंच में अमरूद आए हैं, तो अच्छा लगता है, जब इसकी हम केयर करेंगे तभी ये अमरूद टिकेगा, नहीं तो गिर जाएगा। फिर से यहाँ पर एक हमारा आम है, तो आम में मैंने खाद वगैरह मिला दिया है, ये देखिए कल ही, और आम में जो है आ गए हैं मोर, तो ये देखिए हमारा आम में मोर आया है, तो देखते हैं आम लगता है कि नहीं लगता है,
तो ये तो अभी फर्स्ट टाइम ही है, पिछले साल भी आया था लेकिन पौधा छोटा मत था तो मैंने तोड़ दिया था, लेकिन इस बार जो है इसे मैं रखूंगी क्योंकि देखते हैं कैसा आम आया है। तो बहुत, ये भी पौधा देखिए बहुत छोटा है लेकिन एक ही मोर है तो उसे हम रखेंगे। फिर से वहाँ पे देखिए ये सब मेरे कुछ कुछ गमले हैं जो जगह की वजह से इनके बीच में थोड़ा गैप रहता है तो मैं डाल देती हूँ। बाकी धनिया और चीकू, तो चीकू मैंने ये नया लगाया है तो इसमें अभी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, तो आने वाले समय में उसमें देखते हैं ग्रोथ कैसा है। बाकी ये कंटेनर इधर बैंगन का था, तो बैंगन मैंने ठंड वाली थी तो पूरी हटा दी, लंबे वाले थे तो साइज बहुत छोटा हो गया था इसलिए हटा के भिंडी लगाए हैं। वहीं पे हमारे भरता बैंगन है तो इसकी कर दी थी हमने प्रूनिंग, तो प्रूनिंग के बाद देखिए इनमें फिर से न्यू ग्रोथ आई है तो फूल आ रहे हैं, तो उम्मीद है भंटा बैंगन हमें हार्वेस्ट करने को मिलेगा। बाकी ये सब हमने गर्मी वाले प्लांट की प्रूनिंग की थी तो यहाँ पे रखा हुआ है। एप्पल बेर का पौधा है तो इसमें देखिए नए ब्रांच बहुत सारे आए हैं इस तरह से, लेकिन इसकी अभी सीजन नहीं है, इसकी हम जो है नवंबर के समय पूरी कटिंग करेंगे खाद मृद मिला के, तो भी ये जाके अच्छा होगा। फिर यहाँ पे एक छोटा सा नींबू है, वहाँ पे अनार था मेरा, लेकिन अनार की जो मैंने पौधे लाए थे वो तो नर्सरी से ही लाए थे लेकिन वो अनार बहुत ख़राब निकला, छोटे साइज का और वो रेड होता ही नहीं था, कितना दिन भी छोड़ दीजिए हल्का वाइट रह जाता था, तो मैंने उसे कबार के फेंक दिया क्योंकि वो पौधे सही नहीं थे। फिर से यहाँ पे हमारी इलाहाबादी वेराइटी अमरूद है तो इसमें भी ज़बरदस्त फूल आए हैं ये देखिए, तो जैसे ही फूल खिलेंगे फल सेट होने के दौरान मैं इसमें खाद वाद मिलाऊंगी। देखिए अभी स्प्रे मुझे करना पड़ेगा, वीडियो के दौरान ही मुझे पता चला कि इसमें वाइट फ्लाई का इस तरह से अटैक हो गया है, तो पौधे को डीपली चेक करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग वीडियो के दौरान ही देखते हैं कि हमारे पौधे में वाइट फ्लाई का अटैक हुआ है इस तरह से, तो इसका अटैक हुआ है तो मैं इसमें स्प्रे नीम ऑयल का करूँगी या फिर अपना जो भी करवा जैव रसायन है उसका भी स्प्रे कर दूंगी। बाकी ये हमारे पाँच चार ग्रो बैग हैं 2 फीट वाले, तो इसमें टमाटर लगे हैं, धनिया लगा है, लेट्यूस था तो ये लेट्यूस है, टमाटर है, इस तरह से है, मतलब ये मिक्स क्रॉप है तो मिक्स क्रॉप में सब चीज़ लगा देती हूँ, जैसे जगह खाली है तो भिंडी भी गा दिया, जगह खाली है तो धनिया भी छिड़क दिया, टमाटर भी लगा दिया, तो जैसे इस तरह से मैं सब्जियाँ लगाते रहती हूँ। तो और बाकी उस साइड मेरा पूरा गुलाब है, तो गुलाब देखिए गर्मियाँ शुरू होने से पूरी गुलाब की मैंने प्रूनिंग वगैरह की हूँ थोड़ा सा, और फिर इसको थोड़ा शेड में रखी हूँ ताकि गुलाब ख़राब ना हो क्योंकि इसे बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए। बाकी कुछ गुलाब भी इधर है तो इधर जल्द ही मैं इसे भी, अभी तो इनमें फूल आ रहे हैं कुछ कुछ, तो मैं फूल है इसलिए इसे रखी हूँ सामने, जैसे जैसे फूल ख़त्म हो जाएंगे सॉफ्ट प्रूनिंग करके उसको भी शेड एरिया में डालेंगे। और बाकी यहाँ पर मैंने खाद के लिए बताया था आप लोग को, पूरे यहाँ पर गोबर डैम्प की हुई है और इस तरह से क्योंकि हल्की बारिश हुई है बिहार में शाम को, तो मैं तो तिरपाल से ढक दी हूँ ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए, नहीं तो छत है ज़्यादा पानी होगी तो डैम्प की समस्या हो सकती है क्योंकि ये सूखेगा नहीं, काफ़ी बड़ा हौज है इसलिए ढका हुआ है, नहीं तो इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। और हम बना रहे हैं खाद, तो खाद बनाने की प्रक्रिया इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल लेती हूँ वीकली एक बार, तो धीरे धीरे ये खाद हमारा बनेगा। बाकी यहाँ पे मैंने एक एप्पल का पेड़ लगाया था गमलों में, तो देखिए इसमें फूल इस तरह से आते हैं, फ्रूटिंग तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि देखिए छोटा बहुत 12 इंच का गमला है, इसे हमें जल्द ही बड़े कंटेनर में शिफ्ट करना होगा, तो करूँगी लेकिन अभी थोड़ा सा कंटेनर मेरा भरा नहीं है, टाइम लगेगा, जैसे ही भरता है तो मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। फिर आ जाते हैं हम सेकेंड 10 फीट वाले ग्रो बैग, मेरे पास 5 10 फीट के ग्रो बैग हैं तो मैं फर्स्ट सेकेंड इसलिए आप लोग को बता देती हूँ ताकि सेकेंड ग्रो आपको ग्रो बैग तो एक ही लगेगा लेकिन ये है हमारा सेकेंड। तो सेकेंड वाले ग्रो बैग में हमने गर्मी की टमाटर लगाई थी आप लोग के साथ ही लगाई थी, ये मैंने फरवरी में लगाया था लेकिन देखिए इसमें बहुत जल्दी फूल आ गए हैं, और क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होगी तो फूल ड्रॉपिंग की समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कुछ भी डालिए कुछ भी स्प्रे कीजिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो टमाटर के फूल गिरने की समस्या होती है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं छोड़ दी हूँ थोड़ा सा इसको। मैं देखिए यहाँ पे पूरा खुला है लेकिन इसको मैं कवर करूँगी ग्रीन नेट से जल्द ही, नहीं तो जो है गर्मी की वजह से मेरा टमाटर ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपने भी टमाटर लगाए हैं और तो उसको कवर कीजिए, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में बेडशीट होती है
अमूमन हम लोग के यहाँ होती ही है, बेडशीट हो गया या फिर आपके पास वेस्टेज कपड़ा है तो उसको भी अगर एंगल है या फिर बांस वांस की सहायता दे करके, गर्मी में टमाटर लगाए हैं तो उसको आप कवर कर दीजिए तो आपका टमाटर काफ़ी अच्छा रहेगा। और सर्दियों में भी अगर आप टमाटर को कवर करके उगाते हैं तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है और पाले नहीं मारते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो मैं कवर तो सर्दियों में भी करती हूँ और गर्मियों में भी। बाकी ये सब देखिए टमाटर, ये सब टमाटर जो है ठंड वाले ही हैं, इस सब को कटिंग वगैरह मैंने करके पौधे तैयार किए थे, उस सब का रिजल्ट है। बाकी ये ग्रो बैग सेकेंड वाला ही है तो इस साइड से मैं दिखाती हूँ। तो फूल आ रहे हैं, फल भी लग रहे हैं, तो वो टमाटर है, टमाटर बहुत ज़्यादा है इस बार। और बाकी ये हमारा आधे में मैंने नेनुआ लगाया था तो नेनुआ भी देखिए अब इतनी बड़ी हो गई है, अभी इसमें बेल थोड़ा निकलने लगा है। तो ये आधा में मैंने पाँच नेनुआ के प्लांट लगाए हैं, 2, 4, 5 और बीच में थोड़ा पालक, तो पालक की कटिंग कर लेंगे। दो बार मैंने कटिंग कर लिया है, एक बार और करके इसको हटा के पूरे अच्छे से मिट्टी को गुराई करूंगी क्योंकि इसमें नेनुआ लगे हैं तो ज़रूरी है हमारे प्लांट की केयर करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक गोभी जो है हमारी, ये फूल रही है तो इसे हम कर लेंगे हार्वेस्ट। तो इसे आप कबाड़ लीजिए इस तरह से जड़ से। यहाँ पे ये हमारी गोभी है तो इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो आप कैसे भी कर लीजिए, तोड़ के या फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारी ये भी गोभी जो है बहुत अच्छी हुई है इस तरह से। तो इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से गोभियाँ हो रही हैं तो धीरे धीरे हार्वेस्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारी कंटेनर खाली होगी वैसे वैसे हम अपना इसमें भी कोई खाद मिला के सब्जी लगाएंगे। तो ये देखिए कितने बड़े साइज की गोभी है, साइज देखिए। अभी गर्मी के मौसम में ये साइज बहुत अच्छा साइज है, ये 700 से 800 ग्राम की हमारी गोभी है। तो देखिए कुछ गोभियाँ बहुत बड़ी साइज की होती है, कुछ थोड़ी छोटी होती हैं, कुछ काफ़ी बड़ी होती है। तो ये मतलब अपने आप में पोषण जो है लेने क्या होता है, कोई पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं कोई धीरे धीरे करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये हमारी सेकेंड बैच की गोभी है। तो इस तरह से हम हार्वेस्ट करते हैं अपनी गोभियाँ। तो देखिए दो दो गोभी को मैंने आज हार्वेस्ट कर लिया। तो हो गई हमारी गोभियों की हार्वेस्टिंग। तो अब हम चलते हैं आगे। तो जहाँ तक मैंने देखिए बताया कि कुछ पौधे अपने आप में काफ़ी जल्दी बड़े होते हैं, कुछ उतने जल्दी बड़े नहीं होते हैं। तो उसी तरह देखिए मेरा नेनुआ का पौधा, ये सेम टाइम ही लगाया हुआ है, ये थोड़ा जल्दी बड़ा हो गया, वो अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है। तो इस तरह से पौधों की अपनी लाइफस्टाइल होती है, वो अपने तरह से जीते हैं। तो ये हुआ, बाकी तो इधर देखिए टमाटर एक है तो छोड़ दी हूँ। तो आगे अब हम चलते हैं थर्ड ग्रो बैग, यानी तीसरी हमारी बड़ी ग्रो बैग में। तो तीसरी में देखिए हमने थोड़ा सा दिखा दिया यहाँ पे किस तरह से टमाटर, ये पूरी क्रॉप्ट में टमाटर ही लगी है और सारे टमाटर जो हैं सर्दी वाले हैं, ना कि अभी मैंने गर्मी में रिसेंटली लगाया है, ऐसा नहीं है, ये सब सर्दियों में लगाए हुए टमाटर हैं। तो देखिए मैंने क्या किया था कि जो हमने सर्दी में टमाटर लगाई थी उसकी मैंने प्रूनिंग की थी इस तरह से। देखिए यहाँ से ये देखिए आपको दिख रहा हो, यहाँ से मैंने टिप काट दिया था ऊपर से और फिर इसमें ब्रांचेज इस तरह से फुटाव हो के। तो टमाटर अगर सर्दी में आप लगा लेते हैं तो वो पूरी आपकी मार्च अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि देखिए अभी मार्च है, लास्ट मार्च है लेकिन अभी फल छोटे हैं तो ये मुझे लंबे समय तक चलेंगे। और बीच में देखिए मैंने करेला लगाया है तो करेला जब ऊपर हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ये करेला देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इस तरह से मैं मिक्स क्रॉप, क्योंकि ये ग्रो बैग जब हम टमाटर अपना हटा लेंगे तो फिर हमारा काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, अप्रैल में हम कौन सी सब्जी लगाएंगे, इसलिए मैंने इसमें पहले ही करेला डाल दिया है। तो ये जैसे ही ऊपर बेल होगी उसके बाद बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाएगी, धूप इसे मिलने लगेगा। तो इस तरह से 3-4 मैंने पौधे लगाए हैं। तो ये भी देखिए करेला का है, ये भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप मिक्स क्रॉप की गार्डनिंग कर सकते हैं। तो सब में टमाटर है, ये देखिए टमाटर, टमाटर कैसे अच्छे अच्छे टमाटर हुए हैं। और इधर थोड़ा जगह मेरा खाली था तो देखिए मैंने खीरा डाल दिया है। तो खीरा का देखिए क्या है, अभी तो मुझे उतना अच्छा रिजल्ट इसका
नहीं लग रहा है। बाकी हमारी सैपलिंग सारी लग गई, भिंडी वगैरह कुछ कुछ बचे हैं, तो खराब वराब होते हैं तो मैं उसको वहाँ शिफ्ट करती हूँ। तो और ये थर्ड ग्रो बैग के पास देखिए थोड़ी जगह थी हमारी, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फूल है तो फूल को रख दिया है, क्योंकि पिटूनिया है तो थोड़ा इसको अगर सेड मिलेगा तो कुछ दिन और रहेगा। बाकी इसमें टमाटर हैं तो हैं, बाकी ये हमारा मिर्च है, तो मिर्च में देखिए इस तरह से फ्रूटिंग हो रही है, फूल आ रहे हैं। बाकी ये पूरा सेक्शन मिर्च का है, ये पूरा मैंने इस बार मिर्च ही लगा दिया है। देखिए मिर्च पूरे अच्छे कंटेनर मैंने मिर्च के लगाए हैं, 2, 4, 6 कंटेनर में पूरा मिर्च है। तो मिर्च की मुझे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, थोड़ा बढ़ गई है क्योंकि लाल हो जा रही है, तो उसे पाउडर फॉर्म में भी मैं बना दे रही हूँ। तो हरा भी खाते हैं और रेड भी, सूखने के बाद हम मिर्च को हार्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से मिर्च की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो पौधे हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो हमारी मिर्च की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, रेड मिर्च की भी हो गई। तो इस तरह से हमारा थोड़ा गार्डन आपको लगेगा। ये मेरा आधा पार्ट यहाँ ख़त्म होता है, फिर हम आधे पार्ट में आते हैं इस साइड। तो इस कंटेनर में देखिए मैंने 25 से 30 केजी टमाटर हार्वेस्ट की हूँ, और अभी भी थोड़ा टमाटर है तो धीरे धीरे पक रहे हैं, हार्वेस्ट कर रही हूँ। फिर ये हमारा चौथा ग्रो बैग है, तो चौथे ग्रो बैग में मैंने लगाया है तरबूज। तरबूज के प्लांट की ग्रोथ देखिए अब इतनी हुई है, और बीच बीच में मैंने करेला डाल दिया है, ये देखिए। क्योंकि ये करेला, ये तो तरबूज नीचे फैलेगा, करेला की बेल ऊपर चली जाएगी, तो इसमें 3 करेला और 3 तरबूज इस तरह से हमने लगाया है। फिर आधे भाग में देखिए हमने लगाया था खरबूजा, तो खरबूजा की प्लांट की ग्रोथ ये रही। इसमें देखिए फूल आ रहे हैं, तो पता नहीं अब फूल का तो मेल फूल है तो खरबूज तो होगी नहीं, अभी हो सकता है छोटे में ही फूल आ गए हों, अब इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो देखते हैं अभी इसमें क्या है, क्योंकि देखिए कोई भी पौधा आप लगाइए तो मतलब वो निगेटिव भी है तो भी लगाइए, क्योंकि आप लगाइएगा नहीं तो आप जानिएगा नहीं कि पौधा क्या है, कैसे बढ़ता है। तो मैं ट्राई करती हूँ, सक्सेस मिले ना मिले मुझे कोई मतलब ये नहीं होता। अब मुझे ये नहीं लगता है कि अगर हमने पौधा लगा दिया है तो भाई सक्सेस मिले नहीं, फ्रूटिंग हो, अरे फ्रूटिंग नहीं भी हुआ तो क्या हुआ। इस बार देखेंगे, फिर अगली बार कुछ देखेंगे, नहीं हुआ तो फिर क्या रीज़न है, उसमें कुछ और डालेंगे। तो इतना सोच के पौधा नहीं लगाती हूँ, पौधा लगा देती हूँ, बीज लगा देती हूँ, खाद वगैरह जैसे करती हूँ सब मैं करती हूँ। होना ना होना ये पौधे के ऊपर डिपेंड करता है, मेहनत तो हमारी रहती ही है, तो पौधे और बीज अपना काम करते हैं। बाकी देखिए मुझे लग रहा था कि मेरी खरबूजे अच्छी नहीं हुई तो मेरा ये कंटेनर खाली हो जाएगा, तो मैंने क्या किया कि सैपलिंग तैयार की हुई थी बोरो की, तो इसमें मैंने फिर बोरो के 10-15 पौधे लगा दिए हैं। बोरो तो ऊपर आ जाएंगे, अगर नीचे रिजल्ट मेरा खरबूजे का नहीं हुआ तो बोरो तो फल जाएगा। तो ये इस तरह से जब बड़ा कंटेनर मेरा खाली होता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है, तो मैं खाली नहीं रखती हूँ। फिर यहाँ पे आ जाते हैं 6 वाले, ये देखिए 2 मैं एक जगह रखी हूँ, 3 आपको उधर दिख रहा होगा, 2 इस साइड। तो 6 वाले में बहुत अच्छा, इसमें मैंने आधे में भिंडी लगाई हूँ इस तरह से, और ये देखिए मेरा क्या बोलते हैं ये खीरा। तो पत्ते देख के आपको लगेगा कि क्या ग्रोथ है, कि देखिए इसका पत्ते का साइज देखिए, खीरे का काफ़ी अच्छा है, पौधा हेल्दी है, भिंडी भी देखिए काफ़ी स्वस्थ है, अच्छा है, अभी जितना बड़ा है उतना में ये अच्छा है, जैसे जैसे बड़े होंगे और भी अच्छे होते जाएंगे। बाकी तो टाइम टाइम केयर तो करना ही पड़ता है, कोई भी पौधा का देखना ही पड़ता है। एलो स्टिक यहाँ भी है, और इस तरह से हमने इसमें ककड़ी लगाई है, तो ककड़ी भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा देखिए अभी जैसे ठंडा गर्म मौसम होगा तो क्या है ना कि पत्ते खाने वाले कीड़े का अटैक होता है, तो इस तरह से पत्ते खाएंगे, वो उड़ने वाले कीड़े होते हैं तो चिपक भी जाते हैं बहुत बार नहीं भी चिपकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत इस तरह से चिपकते हैं, नहीं चिपकेंगे तो पत्ते फिर खाएंगे थोड़ा बहुत, तो उनको हटाना मुश्किल है। अब हर चीज़ के लिए हम स्प्रे नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारा 6ठा ग्रोव है। बाकी यहाँ पे देखिए सैपलिंग है कुछ कुछ, जैसे जैसे अगर कोई ख़राब होता है तो उसको हम शिफ्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पौधे भी रखते हैं। बाकी हम फिर उस साइड देखिए, सारा मेरा गर्मी का गमला रखा हुआ है, कनेर वगैरह, तो वो सब अभी
ग्रोथ में है, मतलब प्रूनिंग के बाद इसमें देखिए नए नए ग्रोथ आ रहे हैं तो फूल आएंगे। बाकी इधर जेड प्लांट है और ये गुलदाउदी की पौधे हमने तैयार करने के लिए गुलदाउदी को कटिंग कर दिया और गुलदाउदी यहाँ पे रख दी हूँ। फिर यहाँ पे एक हमारा टंकी है, आपको टंकी ज़्यादा दिख रही होगी यहाँ पे, तो टंकी है, इसमें भी लगा है टमाटर। तो टमाटर तो बहुत अच्छा लगता है भाई, टंकी में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट बार से सारे टमाटर टंकी में ही लगेंगे, तो टंकी में बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा। फिर यहाँ पे दो टंकी और है, ये सब मैंने नया सेटअप लगाया है। तो इस दो टंकियाँ में तीन देखिए कद्दू की प्लांट है, ये देखिए एक ये और एक ये है और वो, और इसमें बीच में ये मैंने बैंगन के गाछी दी थी छोटे छोटे, तो मेरे पास सीड पॉट नहीं होता है ना, तो मैं मिट्टी में भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मिट्टी में भी छिड़क दिया तो इसके भी बीज निकल रहे हैं। यहाँ पे मैंने मिर्च का इस तरह से गाछी दे दिया है, अब फिर मैं कबाड़ कबाड़ के उसको अलग लगाऊंगी। और चारों तरफ इसमें मिर्च लगा है, इस तरह से कद्दू का बेल देखिए ऊपर मैं इस पर चढ़ा दूंगी और किनारे किनारे पूरी मिर्च है। इस कंटेनर में खीरा भी है और भिंडी भी है, दोनों है ये इस टंकी में। तो इसके पौधे अभी थोड़े डल हैं, तो मुझे लगता है देखिए क्या करते हैं, अगर सही हो गए तो ठीक है, थोड़े खीरा के डल हैं उसके मुकाबले। बाकी यहाँ पे हमारे तीन थर्माकोल अड़हुल का है, कटिंग वगैरह हो गई है, एक तेज पत्ता। बाकी इस तरह से देखिए फिर से मैंने यहाँ पे दो टंकी एक्स्ट्रा अभी लाया है, फिलहाल ही एक टंकी लाई थी उसको कटिंग करके दो टंकी बनाई हूँ इस तरह से, ये देखिए। तो इसमें कल ही मैंने मिट्टी भरा है, तो मिट्टी भर के हमने वो सैपलिंग मेरा भिंडी का तैयार था, तो देखिए इस तरह से हमने भिंडी लगा दिया है, बीच में एक पपीता। तो पपीता तो अभी बढ़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम भिंडी वगैरह हार्वेस्ट करेंगे। ये टंकी अभी बहुत खाली है, तो जो भी छत की सफाई हो रही है इसमें कचरा डाला जा रहा है, फिर इसको भर के मिट्टी भर के हम पौधे लगाएंगे। फिर इस साइड आते हैं तो ये हमारा चार पाँच जो है, चार जो है छोटे वाले कंटेनर रखे, तो एक में अनार है, दो नींबू हैं और नींबू में अभी फल आए हैं इस तरह से देखिए, फूल भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं छोटे छोटे। और ये मेरा ड्रैगन फ्रूट लगाई हूँ, अभी नया लगाई हूँ, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, पहली बार लगाई हूँ, जैसे समझ में आया मैं लगा दी। एक मैंने क्या किया था ना कि कटिंग ड्रैगन फ्रूट की गाड़ दी थी, तो देखिए कटिंग हमारा हो गया है। इसी में मैं इस तरह से जो ये मेरा पौधा यहाँ से टूट गया था, किसी वजह से टूटा ही है, तो मैंने उसकी कटिंग यहाँ पे लगा दी थी। तो ये भी ड्रैगन फ्रूट देखिए निकल गया है, तो चलिए तीन तीन हो गए इसमें पौधे। तो ड्रैगन फ्रूट की कटिंग मुझे लगा कि बहुत आसानी से लग गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, वो कटा और मैं मिट्टी में डाल दी और हमारा ड्रैगन फ्रूट चल पड़ा। तो इस तरह से हमारा पूरा गार्डन दिखता है दोस्तों, देखिए पूरी छत पे हरियाली आपको चारों तरफ दिखेगी। मेरी छत का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी छत पे टाइम बिताना, मैं अपनी छत पे अच्छा समय बिताती हूँ, क्योंकि बहुत मन लगता है मुझे अपने गार्डन में। और देखने में भी कोई भी लोग देखते हैं तो कहते हैं नहीं गार्डन अच्छा लग रहा है, हरा भरा तो कम से कम लग रहा है, समय देती हूँ पौधों को, देखती हूँ एक दो घंटा तो मैं ज़रूर टाइम देती हूँ। तो आप भी छत पे गार्डनिंग कीजिए, और बहुत से देखिए गार्डनिंग के लिए ये नहीं है कि एकदम हम किए फल बहुत ले लिए, ऐसा नहीं है। देखिए हर चीज़ में मुझे लगता है कि मतलब हर चीज़ में कामयाबी और जो नुकसान दोनों होते हैं, कोई भी काम कीजिएगा तो कामयाबी भी मिल जाती है और नहीं भी मिलती है, तो वो दोनों चीज़ आपको साथ में उठाना पड़ेगा। इस तरह से देखिए हमारे गार्डन में गोरैया भी बहुत ज़्यादा है, एक शाम के टाइम जब मैं आती हूँ तो इतने ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, पता नहीं कौन से पक्षी हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको मैंने कीड़ा खाते हुए देखा है। तो गार्डन का मतलब लगता है पक्षियों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो कीड़ा भी खा रहे हैं तो मेरा गार्डन से कीड़ा भी ख़त्म होता है। खास करके मैंने उनको चोंच में देखा था, ये जब कैटरपिलर जो होते हैं गोभी में लगते हैं, वो कैटरपिलर को मिट्टी से ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे। कुछ जो होती है अर्थवर्म उसे भी हो सकता है वो खाते हों, तो अच्छा है कम से कम हमारे गार्डन की कीड़ों की सफाई हमारे चिड़ियाँ भी करते हैं। शाम के टाइम तो खास करके वो रहते ही हैं, पूरे भरे रहते हैं गार्डन में। जब आइएगा 5 बजे के लमसम तो पूरे चिड़ियाँ आपको देखेगी। इस तरह से देखिए गार्डन में पूरी
वो अपना मिट्टी में दाना भी खाती होंगी, क्योंकि हमारे बीज बहुत कम निकलते हैं। मैं बीज ज़्यादा डालती हूँ लेकिन कम निकलते हैं, हो सकता है वो खा ही जाते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा बीज भी ज़्यादा डालना पड़ता है। तो ये सब होते रहता है, तो ये सब को इंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कामयाबी मिले, एक साल नहीं मिलेगा, दो साल नहीं मिलेगा, तीन साल नहीं मिलेगा, अरे भाई कभी ना कभी तो मिलेगा ही, ऐसा थोड़ी है। और अगर करना चाहते हैं तो एक बार चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, देखिए सॉइल मिक्सचर का सारा खेल रहता है। और दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है गार्डनिंग में, एक होता है सॉइल मिक्सचर और दूसरी होती है बीज। अगर दोनों आप सही रख लिए तो रिजल्ट आपके हाथ में ही है, मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट कहीं नहीं जाता है। तो यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो को एंड, फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आने वाले वीडियो में फिर से नई जानकारी देंगे।